यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम भी इनकाउंटर में मारा गया। एक ओर यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर किया तो दूसरी ओर अतीक अहमद की प्रयागराज में कोर्ट में पेशी हो रही थी। जब कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक अहमद को इसकी खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगा। इनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक अहमद जैसे बदहवास सा हो गया। बेटे असद के इनकाउंटर की खबर सुनते ही माफिया अतीक कोर्ट रूम में ही फूट फूट कर रोने लगा। अतीक खुद को नहीं संभाल पा रहा था, अतीक जमीन पर बैठ गया। माफिया अतीक अहमद ने अपने बेटे असद को उमेश पाल इनकाउंटर के बाद शेर बताया था। आज उसी शेर बेटे का योगी की पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। ये वही अतीक अहमद है जिसका यूपी में कभी खौफ बोलता था। अतीक अहमद को आतंक का आका माना जाता था, लोग अतीक से खौफ खाते थे। आज वही अतीक योगी राज में घुटनों पर आ चुका है। योगी ने अतीक के बेटे असद को मिट्टी में मिला दिया। अतीक बेटे की मौत के सदमे से हिल गया है और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटर असद और गुलाम दोनों ही फरार चल रहे थे। यूपी पुलिस की ओर से दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। झांसी में एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में हुए इनकाउंटर में दोनों को मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद और गुलाम झांसी में पारीछा डैम के पास छिपे थे, जहां यूपी एसटीएफ ने इन दोनों का इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने एक बैठक की। सीएम योगी ने अतीक के बेटे असद और गुलाम के इनकाउंटर पर यूपी एसटीएफ के साथ डीजीपी स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।